हेलो गुड इवनिंग एवरीवन हेलो नमस्कार दिस इज संडे एंड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस स्टॉक मार्केट से लेके एच टू ओ का अपडेट और आने वाले वीक के अंदर में क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं सो so, दोस्तों uh, uh, मैंने एक फॉर्मेट बनाया था कि वीकेंड एनालिसिस को थोड़ा स्ट्रक्चर वे में रिकॉर्ड करेंगे तो जहाँ पर उस फॉर्मेट में पहला सेक्शन था एच जो कि मेरा ट्वेंटी वीक चैलेंज है जो मैंने अपने आप को दिया है

और uh, कुछ कुछ चीजें जो मैंने अपने लिए डिफाइन कर रखी हैं आई एम वेरी हैप्पी आई हैव मेट मोस्ट ऑफ देम आई दॉ ट्रेवलिंग लास्ट वीक आई वॉज इन सिंगापुर तो ट्यूजडे से लेके सैटरडे मॉर्निंग तक आई वॉज देयर और इट वॉज अ वर्क ट्रिप जहाँ पे आई वॉज देयर टू मीट लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग इन ग्लोबल मार्केट्स टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में अभी क्या अपॉर्चुनिटीज है लोग क्या परसीव कर रहे हैं और वहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं हर तरह के इन्वेस्टर्स वहाँ चाइनीज भी है इंडियंस भी है बहुत लोग हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और करना चाहते हैं उनसे मैं पल्स लेने की कोशिश कर रहा था एंड जस्ट टू गिव यू अ फीलर कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा बहुत fact, है बहुत ज़्यादा इनफैक्ट जो इन्वेस्टर्स हैं जितना मैंने मिल एक फीलिंग लिया है कि सबको थोड़ा सा फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट आ रहा है सबको लग रहा है कि वी आर ओवरऑल अंडर इन्वेस्टेड इंडिया सिंगापुर एज अ कंट्री तो बहुत अच्छा है आई थिंक फ्रॉम अ लिविंग परस्पेक्टिव बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बहुत ही रूल ड्रिवेन नीट एंड क्लीन हम सब ट्रैवल करना भी चाहते हैं सिंगापुर जैसी कंट्री बिकॉज वहां पर हमको सब कुछ अच्छा दिखता है बट समा मुझे इस बार लगा सिंगापुर के अंदर में कि बिकॉज बहुत ज्यादा लोग यू नो तो पैसा लेके हांगकॉन्ग से मूव हुए थे सिंगापुर जब हांगकॉन्ग में चाइना का तो ट्रेवल हो रहा था तो बहुत पैसे वाले लोग आ गए सिंगापुर के अंदर बिकॉज ऑफ विच इनफ्लेशन आप चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं तो ओवरऑल मुझे याद है कि जब मैं कुछ साल पहले गया था और अभी गया उसमें क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अभी पॉकेट ज्यादा ढीली हुई है तो जो मैंने वहां इंडियंस रह है उनसे बातें की तो उन्होंने कहा कि देखो अभी उतना ईजी नहीं रहा है यहाँ पर सस्टेन करना हाई पेइंग जॉब या आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त सेटअप है तब तो आप सस्टेन कर सकते हो नहीं तो पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम सिंगापुर टू कंट्रीज लाइक दुबई जहां पे टैक्स एडवांटेज भी है और एट द सेम टाइम लिविंग भी अभी लाइफस्टाइल वही है बट कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है रिलेटिवली लेस है बट जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है सालों साल से सिंगापुर में रह रहे दे कॉन लिव सिंगापुर बिकॉज उनको सिंगापुर का जो एक वाइब है एक फीलिंग है उसकी आदत लग चुकी है तो दे विल नॉट लिव बट

मेरा जो बैक पेन है वो भी कंट्रोल में है इट्स नॉट दैट वो चला गया पूरी तरीके से मैं इस पर भी आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा एंड आई आई एम एम गोइंग टू टू प्लानिंग इंटरव्यू फ्यू पीपल हैव हेल्प मी इन दिस जर्नी ऑफ री चलिए अभी स्क्रीन शेयरिंग करते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है आ, इंडिया का ब्रेथ क्या बोल रहा है और क्या लग सकता है याद है अपने को लास्ट मैंने कहा था कि थोड़ा मुझे नर्वसनेस है मिड कैप को लेके और आ, मैंने कहा था कि मैंने पच्चीस परसेंट के करीब अभी हल्का कर दिया तो आ, देखते हैं कि उससे कोई फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ। और आने वाले वीक में क्या चलेगा बिकॉज इलेक्शन का बाद का पहला बजट है तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको इस बजट में और मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है आफ्टर बजट और आज बताना बहुत मुश्किल होगा बट मेंटली हमको प्रिपेयर रहना चाहिए कि कुछ भी आ सकता है। तो, going. Going और चलिए तैयारी करते हैं, करते हैं. लेने की कोशिश करते हैं तो मैक्रो व्यू ऑन मार्केट इसका मतलब पहले एक बार लास्ट वीक का रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट वीक मार्केट के अंदर में क्या हुआ सो लेट्स गो टू निफ्टी और निफ्टी uh, के अंदर में लास्ट एक वीक में देखें तो मोटा मोटी मार्केट हल्का सा प्लस ही हुआ है बट जो सोचने वाली बात है वो है ये मिड कैप जो है वो 1.9 डाउन है और निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी जो है वो 3.7 डाउन है है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर में जो जो स्मॉल कैप कैप और मिड की एक रैली वो दिख रही है कि यहाँ से थोड़ा सा उसमें स्लो डाउन है थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये शायद हो सकता है मार्केट के अंदर में ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो इन डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स एक के करीब ही है मैं एक्चुअल एक्सपेक्ट कर रहा था कि और नीचे चला जाएगा बिकॉज अगर ट्रम्प आता है तो वो वीक डॉलर को सपोर्ट करता है help, uh, कहीं, कहीं ये यह यहाँ का जो लेवल है 104 104 का लेवल यहाँ से सपोर्ट ले लिया है राइट टॉकिंग अबाउट यूएस इंडाइसिस तो यूएस इंडाइसिस के अंदर में नजदायक जो है वो ऊपर जाके हल्का सा करेक्ट किया है और इसमें डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा रोल है बिकॉज फ्राइडे को जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में कांड हुआ उसके कारण ओवरऑल पूरा टेक रैली के अंदर में एक बार अल्प विराम सा आ गया है क्योंकि ऑन फ्राइडे राइटिंग फ्राइडे हुआ था ना फ्राइडेड प्रॉपरली इमर्जी मार्केट इंडेक्स देखेंगे तो वो भी क्रैश कर गया बिकॉज

Uh, तो मार्केट ब्रेथ में देखें ये थोड़ा सा ऑल दो करेक्शन के बाद ये ब्रेथ थोड़ा इम्प्रूव हुआ बट यस मार्केट ब्रेथ अभी भी स्कोप है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट कर सकता अगर डॉलर ऊपर की तरफ गया तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर में करेक्शन का माहौल आ सकता है ओके okay? Now let's see के में अभी uh, तो uh, निफ्टी, निफ्टी, तो निफ्टी निफ्टी तक सेल नहीं है तो मंडे को मार्केट क्या करता है उस पर बहुत डिपेंड करता है आने वाले दिनों में मार्केट क्या होगा और ऑब्वियसली uh, मंडे तो कल है परसों इलेक्शन बजट है तो बजट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा जिसके कारण मार्केट ट्रैक करेगा तो प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज बहुत इंटरेस्टिंग बजट होने वाला है तो उसको सामने रखिएगा और ये जो सेटअप है ना जान निफ्टी बैंक निफ्टी, कैप और कैप, इसको सामने रखिएगा रिएक्ट करता है तो अभी माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ है अपने ट्यूजडे को देखेंगे कि अपने इस पर क्या एक्शन लें ओके सेक्टर्स टू वॉच मेरे हिसाब से अपने को इलेक्शन का वेट करना चाहिए बजट का वेट करना चाहिए बहुत ज्यादा प्रियमटिव मूव नहीं करना चाहिए बट हाँ डेफिनेटली स्टॉक्स जिसके अंदर में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं डेफिनेटली उनको तो रडार में अपने को रखना ही चाहिए बिकॉज वो जो स्टॉक्स है वहां पे डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है जो हमको ध्यान रखना चाहिए जैसे रिलीज uh, रिजल्ट्स के अंदर में देखें तो आपको यहां पर नजर आएगा क्या क्या रिजल्ट रिलीज जो अच्छे रिजल्ट है जैसे पूना पुनावाला फेरकॉप है अच्छा रिजल्ट है ग्रेविटा इंडिया देख रहे हैं अच्छा रिजल्ट है तो जिन स्टॉक्स में अच्छा रिजल्ट है जैसे मुंगीपा पंद्रह का मार्केट कैप है ये मैं नहीं देखूंगा शक्ति पम्प देखिए फाइव टाइम्स रिजल्ट अच्छा रिजल्ट है तो ये जो स्टॉक्स है ना जिनमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इनको डेफिनेटली मैं ट्रैक करना चाहूंगा और ट्रैक करने का तरीका मैं आपको बहुत सिंपल सा बताता हूँ जैसे ये अच्छा लिखा आपको यहां गए स्टार नजर आ रहा को सिलेक्ट किए और एक वॉचलिस्ट हमको बनाना होगा माफ कीजिएगा ये यह वॉचलिस्ट यहाँ से ऐड नहीं होगा आपको यहां जाके एक वॉचलिस्ट बनाना पड़ेगा व्यू ऑल एक नया वॉचलिस्ट बनाते हैं चलिए सॉकेट में आप मल्टीपल वॉचलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उस वॉचलिस्ट का नाम लिखते हैं क्यू वन रिजल्ट ओके तो ये वो कंपनी है जिनके रिजल्ट अच्छे आएंगे और यहाँ अपने वॉचलिस्ट में उसको डालते जाएंगे सो लेट्स गो बैक तो वापस से अपने रिजल्ट में आते हैं न्यूज एंड अपडेट्स उसमें अनाउंसमेंट सॉरी रिजल्ट रिजल्ट में रिलीज रिजल्ट और यहाँ पर जो ये कंपनीज है जिनका फिनोमिनल परफॉर्मेंस है जैसे ऊनावाला फेर कॉप है बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसके अंदर में हो सकता है एक्सपेक्टेशन से बेटर हो या एक्सपेक्टेशन से खराब हो ड मैटर हम इस स्टॉक को अपने रिजल्ट क्यू वन रिजल्ट के अंदर में डाल देंगे तो हेर वी आर क्यूबन रिजल्ट में ये उसके next, Gravity, uh, story, uh, story, अच्छा रिजल्ट क्वार्टर और क्वार्टर डिक्लेयर किया है और ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे किस वर्चलिस्ट में रिसाइकलिंग के वर्च लिस्ट में है इसका मतलब ये स्टॉक डेफिनेटली मेरे ट्रैकिंग रडार में भी है यहाँ पर डाल देते हैं फैंटेस्टिक उसके बाद इससे क्या होता है मुझे पता रहता है कि भाई ये स्टॉक और किस किस ने मुझे रिकमेंड किया है या किस किस किसने वॉचलिस्ट में इसको ऐड करवाया है आ, शक्ति पॉम वेरी इंटरेस्टिंग फाइव टाइम्स इंटरेस्टिंग है इसको अपने को ट्रैक करना है आ, ये क्या हुआ ये फाइव टाइम्स हाँ दो हजार तेईस के मुकाबले अभी में इसका फाइव टाइम्स रेवेन्यू ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ भी है तो इसको भी हमको यहाँ ट्रैक में करना है तो ये सारे एक एक करके ना मैं ट्रैक में डालता जाऊंगा इसका क्या करेंगे बाद में मैं आपको बताता हूँ सपोज ये तीन स्टॉक ट्रैक में आ गए ठीक है जिनके रिजल्ट अच्छे हैं अब मैं क्या करूंगा ये मेरे वॉचलिस्ट के अंदर में बैठा भाई ये पूरा एक्सरसाइज फ्री है इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा बट दिस इज अ ग्रेट वे टू ट्रैक द स्टॉक्स अब ये सारे स्टॉक्स हो गए जो मेरे ट्रैकर में आ गए इन स्टॉक्स के अंदर में मैं स्कैन भी देखूंगा कि कौन सा स्टॉक है जिसमें आउट परफॉर्मेंस चल रहा है मैं उसमें काम करने का मन बनाऊंगा इसमें एज इनसाइट्स भी देखूंगा जो मुझे बताएगा कि क्या यूजफुल इनसाइट है इस स्टॉक के अगेंस्ट में जो हेल्प करेगा मुझे स्टॉक को मैं एक्शन लेने के लिए इसमें टेक्निकल्स भी है तो अभी मैं क्या करूँगा मैं डिलीवरी में जाके इसको डेटा इस को डाउनलोड करूंगा यस yes, कर लेते हैं और लेट मी जस्ट डाउनलोड दिस डेटा पोर्टल ले रिजल्ट का डाउनलोड ओके okay. तो ये आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा इनका सिंबल तो इसको मैं कॉपी करूंगा और मेरे जो मेरा जो ये टेम्पलेट है जहां पर रिजल्ट्स के अराउंड मंथ वीकली चार्ट देख के मैं काम करता हूं इसके लिए मैं एक वॉचलिस्ट बनाऊंगा क्वार्टरली रिजल्ट्स का वॉचलिस्ट तो लेट मी जस्ट क्रिएट अ वॉचलिस्ट प्लस एक नया वॉचलिस्ट बनाते हैं सो लेट्स क्रिएट अ न्यू वॉचलिस्ट कैसे क्रिएट होगा यहाँ पे जस्ट मिनट और यहाँ से न्यू वॉचलिस्ट और उसका नाम लिखेंगे Q1 वन रिजल्ट तो ये वो स्टॉक है जिनका Q1 रिजल्ट अच्छा आया है और इन स्टॉक्स को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा अभी मैं तीन ही क्या हूँ बाकी आज पूरा दिन भर अभी रात को बैठ के मैं ये भी देखूंगा कि और किस को ऐड करना है तो ये स्टॉक देखिए शक्ति पंप अच्छा स्टॉक है इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बट ये महंगा है इसको थोड़ा कूल ऑफ होने देते हैं इसका आइडियल टाइम यहाँ लेने के लिए स्टॉक में है तकरीबन ये ये जो लेवल है ना इसके आसपास इसका आइडियल टाइम है तो हरबड़े भी नहीं करते आइडियल टाइम जब आएगा तब उसको लेंगे कोई हरबड़े नहीं करते ग्रेविटा दिस इज ऑल्सो तो इंटरेस्टिंग स्टॉक ये देखिए तो इसमें आर एस पॉजिटिव है सब कुछ पॉजिटिव है और ये स्टॉक जो है अपने तो इस हाई के ऊपर है तो आइडियली ये 1150 के जहाँ आसपास आए तो बेटर है नहीं तो यहाँ पर छोटा क्वांटिटी में एंट्री कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है अपने को और पुना वाला के अंदर में अभी आर नेगेटिव है तो इसमें मैं काम नहीं करूंगा तो बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट और वीकली चार्ट देख के, बड़ा मूव कैप्चर करने का काम इन सब स्टॉक में कर सकते हैं तो जैसे मैंने ये होमवर्क किया वैसे आप अपना भी होमवर्क कीजिए आप स्टॉकेज के थ्रू क्वार्टरली रिजल्ट्स के स्टॉक को आइडेंटिफाई कीजिए लिस्ट बना लीजिए और वो लिस्ट को आप किसी भी तरह का चार्ट में जैसे मैं वीकली चार्ट आप चार्ट आप आप डेली भी कर सकते हैं डिपेंड करता है कितने से, कितने से लंबे तक पोजिशन लेने का काम करना चाहते हैं जनरली क्या होता है क्वार्टरली कंपनी की अगर अच्छी होती है तो वो पूरा तीन चार महीने का एक मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है तो आप लिस्ट बना सकते हैं ट्रैकर के लिए और उस पर फिर काम करना चालू कर सकते हैं दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग और बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं कॉन्स्टेंटली सिखाता रहता हूं तो अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं तो स्टॉक एच क्लब उसका पार्ट बन जाइए वहां तो एनी वेज में रियल टाइम बेसिस पे सिखा भी रहा हूँ प्लस स्टॉक आइडियाज भी जनरेट करके दे रहा हूँ right, दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आई होप यू लाइक इट आई होप मेरा कल का वीडियो भी आपको पसंद आया उसमें व्यूज तो काफी आ गए बस लगे रहिए और एच टू ओ को मत भूलिए बिकॉज अल्टीमेटली हम सब यहाँ पे बेटर लाइफ जीने के लिए हैं खाली दिन भर बैठ के ट्रेडिंग करने के लिए नहीं all right thank you bye good night and have a great uh, weekday ahead or bus day thank out of bye thank you